गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सो वृंदावन से निकल गए, सुबह सुबह 9:30 बजे निकल गए थे और एक घंटा हो गया निकले हुए। अभी क्रॉसिंग बंद है रास्ते में और हम लोग यहाँ फंस गए राया कट से पहले। सो खैर अभी हम निकले हैं तो हमने डिसाइड किया है कि हम निकलेंगे अपना हाथरस होके। अलीगढ़ का रूट बहुत ज़्यादा लंबा था, हाथरस के रूट पर रूट टूटी हुई थी, मतलब पता नहीं अभी रोड ठीक हुई है नहीं ठीक हुई है, बट निकल रहे हैं हम हाथरस होके। यहाँ से दिखा तो रहा है कि 5.5 घंटे का टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि क्रॉसिंग बंद है और जाम भी है। तो चलिए निकले, अभी दिखाते हैं आपको कहाँ कितनी देर पहुँचेंगे। अब निकल तो गए हैं, अब देखते हैं कितनी देर पहुँचते हैं। सो अभी निकले तो काफ़ी देर हो गई है, बज गया है दोपहर का 1:45 और रास्ते में एक झाड़ ये हो गया कि भैया एक जगह गाड़ी घुस गई घंटे में और हमारे ब्रेक लगना हो गए बंद। तो मैकेनिक वगैरह को दिखाया, उसने बताया कि इसमें लंबा खर्चा आएगा, अब आप आराम से कराइएगा, और उसने एक टेक्निक बता दी कि ब्रेक लगाने कैसे। खैर हम कासगंज होते हुए आ रहे थे, कासगंज में एक बहुत ही फेमस मंदिर है चामुंडा देवी का मंदिर, तो हम वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सामने मैं आपको गेट दिखाता हूँ, सामने ही गेट है। हेलो, देखो कहाँ पर आ गए हम। धूप हो रही है, धूप हो रही है, जा रहे हैं मंदिर की तरफ। इधर कपाट खोले मिल जाए बस। ये रहा मंदिर का द्वार और ये रही प्रसाद की दुकान है। पूछते हैं कि दर्शन हो जाएंगे इस टाइम पे दोपहर है। भैया हो जाएंगे दर्शन इस समय? बोल तो रहे हैं भैया कि दर्शन हो जाएंगे, जनरली होता ये है कि दोपहर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नहीं पहुंच रहा था, चप्पल पहन के भी हाथ नहीं। हेलो, अम्मा के हाथ नहीं पहुंच रहे। वो शूज कहाँ उतरेंगे? शूज देखो किस जगह उतरेंगे। कौन है देवी? आगे मंदिर तो वो लग रहा है सामने, मंदिर ये है सामने, वो रहा दरवाजा खुले हुए तुम्हें। अच्छा चलो जय माता दी। मैन देवी यही है कि कल जय माता चामुंडा देवी की खुद ही प्रकट हुई है। जय है मैया, अच्छा मेरा जय है और अंदर के लिए है जय है देवी जय जय माता। मैम जय आप जन्मदिन भी चढ़ा दो काट लेंगे और नहीं। अच्छा। जो गैमचे हैं ये खतरनाक वाली चीज। अरे हाँ लाल लाल चीटी है, बहुत बढ़िया। प्रसाद चढ़ा दो भैया। मेरे पीछे देखिए चामुंडा देवी मंदिर, हम यहाँ बहुत साल पहले आए थे, करीब करीब मुझे लगता है कि मैं शायद 30 ईयर्स पहले आया था यहाँ पर, और अब आया हूँ आज के बाद यहाँ पर। अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हम बरेली जा रहे थे कासगंज के रास्ते, तो हमने कहा चलो मंदिर चलते हैं। इत्तेफाक की बात है कि 2:30 बजे हमें मंदिर में दर्शन भी हो गए। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ की, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। जब हम 30 साल पहले आए थे तो यह मंदिर में कुछ भी नहीं था, मतलब मंदिर तो था लेकिन ये जितना बड़ा मंदिर बना हुआ वैसा नहीं था, खुले में था, पेड़ था और वहाँ पर घंटियाँ लटकी जितना मुझे ध्यान आता है अभी तक, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो अगर आप कभी कासगंज जाते हैं तो यहाँ चामुंडा देवी मंदिर दर्शन करने आइए, मेन रोड से बिल्कुल 3 मिनट के रास्ते पे है, जरूर आइए दर्शन करने, बहुत मान्यता है। ये देखिए यहाँ इसका मेन एंट्रेंस है, इसके मेन एंट्रेंस से अंदर आके देखिए गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह है, ये पेड़ है जहाँ नीचे लोग बैठे रहते हैं, हम भी यहीं पर बैठे हुए हैं अभी। और ये देखिए सामने इसका गेट है मंदिर का, और गेट के अंदर आपको मंदिर दिख रहा होगा भव्य, और मंदिर की ध्वज पताका, और मंदिर के बाहर भी देखिए
बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा मंदिर है। और यहाँ पर देवी जी स्वयं प्रकट हुई हैं पेड़ में से, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मुझे लगता है नवरात्र में तो मेला भी लगता है, तो काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। कभी मौका लगता है तो आइए और दर्शन कीजिए। और कासगंज में रहते तो आपने देखा ही होगा, बरेली में भी रहते हैं तो फिर आप आसपास के जगह से तो आ ही सकते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है भाई खाने के लिए कुछ देखना है। मैं पास में कहते हैं कि रेस्टोरेंट कुछ मिला नहीं, 2:30 बज गया है, खाना खाना है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो फटाफट ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए और खाना खा के निकलेंगे सीधे बरेली के लिए। तो बस कासगंज में निकले हैं मंदिर से और मिल गया एक रेस्टोरेंट, अच्छा चाचाज रेस्टोरेंट जिसका नाम है चाचाज रेस्टोरेंट। चाचा विधायक है हमारे को, सुना होगा चाचाज रेस्टोरेंट, नहीं सुना होगा तो चाचा रेस्टोरेंट में आ गए। लंच करते हैं यहाँ से निकलते हैं, 3 बजने वाला, काफ़ी देर हो गई। मुझे लगता है बरेली पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी हमें आराम से, और गाड़ी की ब्रेक भी ख़राब हो गई तो ब्रेक भी नहीं लगा सकते हैं, तो ब्रेक भी चेक कराना है। बच्चों खाना खा लिया, खाना खाने में लग गया 1 घंटा, तो यहाँ बच चुका है 4:45। अब निकलते हैं बरेली के लिए, यहाँ से बरेली 108 किलोमीटर निकलते हैं और देखते हैं। बाय बोल दो, बाय बाय। तो कुल मिलाकर ट्रिप हैक्टिक थी बट बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, बहुत मज़ा आया। और अगर आप मेरे दोनों व्लॉग्स को काउंट कर देते हैं Day 1 का और Day 2 का, तो आप ये समझ लीजिए कि उस 20-19 मिनट के व्लॉग में मैंने आपको मथुरा वृंदावन की बहुत सारी जगहें दिखा दी हैं। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आप देख रहे होंगे तो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह के व्लॉग और कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, और मिलता हूँ जल्दी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक रखिए अपना ध्यान और बोलते रहिए राधे राधे।